राज्य की मांग, आपके रोजगार की मांग है, आपके विकास की मांग है, पलायन मुक्त बुंदेलखंड बनाने की मांग है। हम सबको अपने विकास के लिए, अपने परिवार के विकास के लिए, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए पृथकराज की मांग में जुड़ना होगा। हमें राजनीतिक पार्टियों और स्वार्थी व्यक्तियों के बहकावे में नहीं आना होगा। अगर हम अपना भविष्य उज्जवल चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए रोजगार नहीं चाहते हैं कि वो डिग्रियां लेकर दादा न भटके, हम अपने मजदूरों के लिए यहां पर कारखाने चाहते हैं, तो हमें पृथक राज की मांग को आगे करना होगा। आने वाली 2 अक्टूबर को बुंदेलखंड 100 ईमान यात्रा आपके उज्जवल भविष्य के लिए निकाली जा रही है। मैं समस्त बुंदेलखंड वासियों से एक सन्यासी होने के नाते आग्रह करता हूं कि पृथक राज की मांग के लिए बुंदेलखंड 100 ईमान यात्रा में 2 अक्टूबर में को अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए। जय जय बुंदेलखंड।